मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नया सीरीज चालू करने जा रहे हैं, डाउट सेशन। उसमें आप लोग का जितना भी डाउट रहता है, जो कैलकुलेशन वगैरह रहता है, जो भी चीज़ पूछना है, जैसे अपन कोई छोटा सा आंसर है तो अपन ऐसे लिख देंगे, लेकिन कोई लंबा रहता है तो इसको हम वीडियो के माध्यम में बताएंगे और आपको समझने में सही रहेगा और आपका अलावा बाकी लोग भी समझ पाएंगे। इसीलिए तो ये अपन सेशन चालू करने जा रहे हैं। और एक क्वेश्चन एक व्यूअर ने पूछा था 30 काउंट पीबी का प्रोसेस के बारे में। उसका ये कहना था फिनिशर रैपिंग है ड्रॉप हेम का 0.095, और उसके बाद देखिए फिनिशर डॉप लेंग जो होता है वो होता है 3000 मीटर, ठीक है, और सिंपलेस्ट रैपिंग 0.80, सिंपलेस्ट टीपीआई 0.86, और सिंपलेस्ट स्पिंडल स्पीड एवरेज वाला जो है, ये सिंपलेस्ट स्पिंडल स्पीड एवरेज वाला ये 1050 है, ठीक है। उसके बाद फिर सिंपलेस्ट का डॉप लेंथ दिया उसने 3000 मीटर। सिंपलेस्ट का डॉप लेंथ मतलब एक सिंपलेस्ट बॉबी 3000 मीटर का आएगा। रिम फ्रेम एवरेज स्पिंडल स्पीड 19000 RPM दिया, और रिम फ्रेम का ड्राफ्ट दिया 39.75, और कॉप कंटेंट दिया 54 ग्राम, डॉप लेंथ दिया 3400 मीटर, टीपीआई 17.2। ये उसका क्वेश्चन मतलब डाटा दिया था, टेक्निकल डाटा। उसका आंसर क्वेश्चन क्या था देखो, वन फिनिशर कैन हाउ मेनी टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जस्ट। एक जैसे फिनिशर कैन है उसका रैपिंग ये रहेगा, लेंथ ये रहेगा, तो सिंपलेस्ट में जैसे लगाया जाएगा एक कैन कितने देरी में खाली होगा, कितना घंटा में खाली होगा। वन सिंपलेस्ट डॉप हाउ मेनी टाइम रिक्वायर्ड, एक सिंपलेस्ट का डॉप आने में कितना टाइम इसको चाहिए, और टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जस्ट वन सिंपलेस्ट बॉबिन इन रिम फ्रेम। रिम फ्रेम में जब क्रिल कराओगे सिंपलेस्ट बॉबिन 3000 मीटर का, वो कितना घंटा रिम फ्रेम में चलेगा, अगर काउंट 30 काउंट हो तो उसका अपन सोल्यूशन इस प्रकार के निकाले। ये सारी चीज़ जो है ना, मेरा जो वीडियो है ना, बेसिक फार्मूला, उसमें जाइएगा आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये वीडियो में समझाने से पहले एक चीज़ आपको याद करा देता हूँ, मेरा चैनल में जो मेंबरशिप लेना था, ज्वाइन बटन दबाना था, तो उसमें मेंबरशिप लेने के लिए आप लोग लीजिए, आपका दोस्त लोग को भी बताइए लेने के लिए। और मेंबरशिप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे उतना हमको मतलब एनकरेजमेंट मिलेगा कि हम लगे रहेंगे। और ये बात तो हम आपको आज क्लियर कर देते हैं, अपना चैनल तो कभी बंद नहीं करेंगे। बाकी लोग का देखो, टेक्सटाइल से रिलेटेड बहुत सब चैनल है जो एक साल से पोस्ट नहीं कर रहे, अपलोड नहीं कर रहे, कोई 2 साल से नहीं कर रहा है, कोई थोड़ा किया बंद कर दिया, ऐसे कभी नहीं करेंगे। आप लोग के साथ हम जुड़े रहेंगे जब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरा चैनल का मेंबरशिप लीजिए, चाहे कोई भी हो, मतलब कम पैसा वाला हो, ज़्यादा पैसा वाला हो, जो भी है, लेकिन मेंबरशिप लीजिए। उसके बाद देखिए कैलकुलेशन में चलते, फिनिशर स्लाइबर का ग्राम पर मीटर, अगर 0.95 होता है, ग्राम पर मीटर 6.210 ग्राम होता है। वही फार्मूला है जो आपको बताया था, जैसे कि 0.59 में अपन 0.59 में 0.095 डिवाइड कर दे रहा, वो आ जाएगा ये, ठीक है। तो जैसे टोटल कंटेंट ऑन कैन, कैन के अंदर 3000 मीटर का कंटेंट है, तो 3000 × ये मल्टीप्लाई कर देना, 18 kg 631 ग्राम का इसमें रोबिंग आ सकता है, 18 किलो 631 ग्राम का रोबिंग आएगा। और 1 आवर प्रोडक्शन ऑफ सिंपलेक्स,
सिंपलेक्स का एक घंटे का प्रोडक्शन कितना है, जैसे स्पिंडल स्पीड 1050 है, एवरेज स्पिंडल स्पीड इंटू 7.2 डिवाइड बाई 0.8 हो गया रैपिंग, 0.86 हो गया टीपीआई और 8 हो गया, मतलब घंटा की प्रोडक्शन निकालने के लिए 8 नीचे डिवाइड कर दिया और 85% एफिशिएंसी लिया, इसलिए 0.85 मल्टीप्लाई कर दिया, एक घंटे का प्रोडक्शन आ जाएगा। देखो 1 किलो 167 ग्राम आ जाएगा एक घंटे का प्रोडक्शन, 1 किलो 167 ग्राम आ जाएगा। तो टू एग्जस्ट वन फिनिशर कैन, अगर फिनिशर कैन आपको पूरा खाली करना है सिंपलेस में कितना घंटा, देखो 18631 ग्राम डिवाइड बाई 1167.5 ग्राम, तो ये हो गया देखो 15.96 आवर, या इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे 15 घंटा 58 मिनट, मतलब ये मान के चलो ये जो 3000 का आप ब्याज लगाओगे आपको 2 शिफ्ट चलेगा 16 घंटा के लगभग मान के चलो। और उसके बाद देखो सिंपलेस्ट ड्रॉप लेंथ कितना लिया हुआ 3000 मीटर, तो वन सिंपलेस्ट बॉबिन नेट वेट कितना हो रहा है, एक सिंपलेस्ट बॉबिन का नेट वेट कितना हो रहा है, देखो 0.59 डिवाइड बाई 0.80 इंटू 3000, 2 किलो 212 ग्राम होता है, 12.5 ग्राम, मतलब 2 किलो 212.5 ग्राम होता है एक सिंपलेस्ट बॉबिन का नेट वेट। टू टेक वन डॉप ऑफ सिंपलेक्स, एक डॉप अगर आप सिंपलेक्स के लेना है तो कैसे, देखो 2 किलो 212.5 ग्राम डिवाइड बाई 11.67.5 ग्राम, तो कितना हो गया 1.895 आवर, या एक घंटा चौवन मिनट में आपकी डॉप आ जाएगा सिंपलेस में, ये मान के चलो 2 घंटा, मतलब राउंड फिगर में मान लो 2 घंटा के लगभग एक डॉप आएगा। ये देखो रिम फ्रेम का क्या हुआ 100% ग्राम पर स्पिंडल ऑफ रिम फ्रेम, जो 8 घंटे का जीपीएस मतलब ग्राम पर स्पिंडल, तो इसमें देखो 19000 का स्पीड है एवरेज स्पीड रिम फ्रेम का, 7.2 हो गया अपना कंस्टेंट, अब बेसिक फार्मूला में जाना सब कंस्टेंट आपको मिल जाएगा, डिवाइड बाई 30 इंटू टीपीआई, 30 हो गया काउंट, ये हो गया टीपीआई, 265.11 ग्राम आएगा 8 घंटे का प्रोडक्शन 100%, और इसका अगर एफिशिएंसी 93% लेते हैं तो 265.11 में 9.93 मल्टीप्लाई कर देना 246.5 ग्राम आएगा 8 घंटे का प्रोडक्शन, जो नेट प्रोडक्शन आता है। अगर 1 घंटे का प्रोडक्शन पर स्पिंडल 893% एफिशिएंसी लोगे तो 246.5 में 8 डिवाइड कर देना 30.81 ग्राम, मतलब 30.8 ग्राम का 1 घंटे का प्रोडक्शन एक स्पिंडल का आएगा। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जस्ट वन सिंपलेस्ट बबिल, अगर सिंपलेस्ट बबिल पूरा खाली करना है आपको कितना टाइम लगेगा, देखो 2 किलो 212.5 डिवाइड बाई 30.81 मतलब 71 घंटा 49 मिनट, मतलब 72 घंटा लगभग हो गया। अगर 72 घंटा को आप अगर शिफ्ट में भाग करोगे 72 बाई 8, मतलब कम से कम ये चलेगा 9 शिफ्ट चलेगा, मतलब 3 डेज, ये 3 दिन के बाद लगभग खाली होगा। और आप देखो नंबर ऑफ डॉप्स पर 8 आवर, 8 घंटे में कितना डॉप आएगा रिम फ्रेम में, 246.55 ग्राम डिवाइड बाई 54 ग्राम, तो 4.56, मतलब 4.5 डॉप आएगा। 4.5 डॉप मतलब क्या होता है, कोई डॉप अगर 50% ऊपर है तो 5 डॉप आ जाएगा, कोई बिल्कुल बॉटम में है तो 4 डॉप आएगा, मतलब एवरेज में 4.5 डॉप आएगा। और एक डॉप का टाइमिंग होता है 1 घंटा 46 मिनट, मतलब इस हिसाब से अगर लोगे। और क्वेश्चन में एक और दिया हुआ 3400 मीटर, देखो ये जो 3400 मीटर होता है उसका अगर आप मतलब ग्राम से निकालोगे ना वो आएगा 66.84 ग्राम, उस हिसाब से चलेगा 3.7 डॉप आएगा, लेकिन 3400 मीटर जो है वो एक्चुअली जो डिस्प्ले में फीड होता है वो उतना डॉप लेंथ आता नहीं, 3400 मीटर फीड किया ना वो
3100-3200 मीटर में गिर जाएगा, कोई कोई और हल्का गिर जाएगा, तो ड्रॉप लेंथ के हिसाब से कोई हिसाब किताब नहीं बैठ पाएगा। तो ये आप जानकारी के लिए मैं बता दिया, अगर ड्रॉप लेंथ 3400 आपके अचीव करते हो तो 66.84 ग्राम आएगा एक ड्रॉप का, तो अब 3.69 ड्रॉप्स आएगा, मतलब कभी 3 ड्रॉप आएगा कभी 4 ड्रॉप आएगा। और उसके बाद देखो 39.75 जो ड्राफ्ट आपने लिखा वो ड्राफ्ट सही है, अगर आपको 0.8 से आप 30 काउंट बनानी है तो इतने का ड्राफ्ट लगता है, ड्राफ्ट आपने दिया और ड्राफ्ट किसी कैलकुलेशन में काम नहीं आ रहा है, लेकिन आपने दिया तो अच्छा क्या अपन को क्लियर हो गया नहीं ये ड्राफ्ट सही है या गलत है। तो ये जो तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, और मेरे को उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगेगा, और आप लोग अगर इस पर यूट्यूब में मेरे को कमेंट करेंगे इसका मतलब क्वेश्चन वगैरह पूछते रहेंगे, ये सेशन बहुत लंबा चलेगा, मतलब जितना आप लोग का डाउट वगैरह है आप पूछते रहिए, और हम डेली इसको जैसे जैसे टाइम मिलेगा हम क्लियर करते रहेंगे। आज का वीडियो यहीं पर रखता हूँ, थैंक यू।